झारखंड में हर तरफ सरहुल पर्व की हलचल दिखाई दे रही है। सरहुल पर्व आदिवासी जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है। आदिवासी समाज के लोग प्रकृति से एक अनोखा रिश्ता रखते हैं। कहा जाए तो ये समाज प्रकृति को ही अपना सर्वोच्च मानता है। ऐसे में जब पतझड़ के बाद पेड़ पौधों में नए हरे भरे पत्ते उगते हैं और फसलों की कटाई होती है, तब सरहुल पर्व मनाया जाता है। बता दें कि हर साल चैत महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीय को चांद दिखाई पड़ने के बाद ही सरहुल का आगाज हो जाता है। वहीं पूर्णिमा के दिन ये पर्व संपन्न होता है। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। इस त्यौहार के दौरान पाहन द्वारा प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि इस त्यौहार को मनाए जाने के बाद ही नए फसल का उपयोग शुरू किया जा सकता है, इसलिए इस दिन सरना माता को नए फसल अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही आदिवासियों द्वारा प्रकृति देवी को जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने की प्रण दी जाती है। चूंकि ये पर्व रवि की फसल काटने के बाद से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसे नए वर्ष के आगाज के रूप में भी मनाया जाता है। सरहुल पर्व में मुख्य पूजा पाहन के द्वारा की जाती है। ऐसे में पूजा शुरू होने से पहले पाहन को उपवास रखना होता है। वो सरना स्थल पर सुबह की पूजा करते हैं। इसके बाद पाहन घर घर जाकर जल और फूल वितरण करते हैं। घरों में फूल देकर पाहन ये संदेश देते हैं कि फूल खिल गए हैं, इसलिए फल की प्राप्ति निश्चित है। खुशी और उल्लास के इस त्यौहार में गांव के सभी आदिवासी इकट्ठा होकर मांदर की थाप पर जमकर नृत्य करते हैं। सरहुल पूजा के दौरान पाहन के द्वारा सरना माता को नए फसल, जल, सखुआ के फूल और 5 अलग अलग रंगों की मुर्गियों की बलि चढ़ाई जाती है। इसके बाद ये सभी के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इसके साथ ही इस पर्व में केकड़े का भी खास महत्व है। सरहुल पूजा के दौरान पाहन केकड़े की पूजा करते हैं और उसी केकड़े को साल भर अपने घर में रखते हैं। आदिवासी ऐसा मानते हैं कि ये केकड़ा साल भर आदिवासी जनजातियों के घरों में धन और धान की कमी होने नहीं देता।